हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। और दोस्तों, मेरे बेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल, जो रेफरेंस है असम। सो इसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए। और रेगुलर मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सो आप लोग ज्वाइन कर लो रूबेल सर अकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653। इस नंबर पे 200 रुपीज़ पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वंस राइट टू बी फॉरगॉटन। सो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेफ गार्ड करता है, देखो, वंस जो राइट है टू बी फॉरगॉटन। सो ऑप्शन सर आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 21। ये याद रखना, राइट टू पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी, ये मतलब कह सकते हैं इस आर्टिकल पे कवर करता है। इसके रिगार्डिंग राइट टू बी फॉरगॉटन भी मतलब कह सकते हैं वो सेफ गार्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशनड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए पार्ट 1, पार्ट 6 या पार्ट 8 या ऑप्शन डी पार्ट 4। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, और ये कह सकते हैं आर्टिकल 36 to 51 तक ये मेंशन है, ये भी लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1961 नागा हिल डिस्ट्रिक्ट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम आसाम एंड बिकम, या कह सकते हैं बिकेम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। 1961 पे नागा हिल डिस्ट्रिक्ट आसाम से सेपरेट हुआ, और कह सकते हैं यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे वो मतलब कह सकते हैं इंक्लूड किया गया। नंबर 2, इन दिसंबर 1963 नागालैंड वाज एस्टैब्लिश्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट। सो कौन सा इनकरेक्ट है? सो देखो, ऑप्शन नंबर 1 ये इनकरेक्ट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये आपके लिए टास्क है। नागा हिल डिस्ट्रिक्ट कब सेपरेट हुआ आसाम से और सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बना। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आसाम मैत्री स्कीम। ऑप्शन सर इट इज अ स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ द प्लेन ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास, या ऑप्शन बी इट इज अ स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर सिटीजन सर्विस, या ऑप्शन सी इट इज अ स्कीम टू इंप्रूव द माइंस एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन आसाम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर को देखो, इट इज अ स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पुलिस जो स्टेशन है फॉर सिटीजन सर्विस, ऑप्शन बी करेक्ट है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 39th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 99th अमेंडमेंट और देखो 97th अमेंडमेंट। सो कौन सा, देखो, हाउ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फुल्ली और पार्टली जो स्ट्रक डाउन किया फॉर द वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के वायोलेशन के रिगार्डिंग पार्टली या फुल्ली मतलब स्ट्रक डाउन किया गया? ऑप्शन सर देखो कितने पेयर, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 या ओनली 5। सो राइट आंसर को देखो, ओनली 4 यानी ऑप्शन सी। देखो ओनली 97 अमेंडमेंट, ये मतलब कह सकते हैं पार्शियली कह सकते हैं स्टक डाउन किया, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब है। देखो 39, 52nd, 42nd या 99। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट। थैंक यू।